हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू क्रेजी फॉर फिटनेस। आज हम डे 13 की वर्कआउट करेंगे, तो होपफुली आप लोगों ने डे 12 तक की वर्कआउट पूरी तरह से फॉलो किया होगा। एक वीक दो वीक छोड़ के अपना वेट मेजर कीजिए और देखिए कितना डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो डे 13 में हम स्टार्ट करते हैं वार्म अप से। पहली वार्म अप एक्सरसाइज जो हम करेंगे वो है स्किपिंग विदाउट रोप। आपको एक ही जगह पे इमेजिन करना है कि आपके पास स्किपिंग रोप है और आपको जंप करना है 30 सेकेंड से 1 मिनट। Okay, ये करने के बाद हम नेक्स्ट वर्कआउट जो करेंगे वो है ट्राइसेप्स डिप्स, ट्राइसेप्स और चेस्ट के लिए। नीज हल्का सा बेंड रखिए, हाथों को जितना क्लोज हो सकता है उतना क्लोज। और ट्वेंटी से 25 रेपिटेशंस कीजिए। सारे एक्सरसाइज आपको मिनिमम 4 से 5 राउंड करने हैं। ओके, नेक्स्ट वर्कआउट हम करेंगे हाई स्टेपिंग्स या हाई नीज। जितना ज्यादा हाई आप अपने नीज को ले जा सकते हैं उतना ज्यादा हाई लेके जाइए, और जितना फास्ट कर सकते हैं उतना फास्ट करने की कोशिश कीजिए। ये आप 30 सेकेंड्स कर सकते हैं, 1 मिनट कर सकते हैं, जितना मैक्सिमम हो सकता है उतना मैक्सिमम। ओके, नेक्स्ट वर्कआउट हम करेंगे प्लैंक वॉक। तो प्लैंक आपको पता है मेनली हम करते हैं इस तरीके से, बट प्लैंक वॉक में आपको क्या करना है, आपको ऐसे करना है। इस पोजिशन में आइए, उसके बाद न्यू सिंपल है। ध्यान में सबको इतना रखना है कि अपने कोर को, अपने आप को टाइट करके रखिए उस वक्त, कोर को हल्का भी लूज नहीं करना है आपको। नेक्स्ट वर्कआउट जो हम करेंगे लॉन्ग आर्म क्रंचेस। हाथों को स्ट्रेट करके सिर्फ यू करना है। आप इसमें ध्यान ये रखिए कि जब आप अपने आप को ऊपर खींचते हैं तो अपने आप को एब्स से यानी कि अपने स्टमक से खींचने की कोशिश कीजिए, और जब आपकी बॉडी ऊपर की तरफ आए तो सांसों को बाहर की तरफ छोड़ के अपने स्टमक को स्क्वीज करके रखिए थोड़ा 1 से 2 सेकंड के लिए। नेक्स्ट वर्कआउट जो हम करेंगे वो है एब्डोमिनल क्रंचेस, एब्स क्रंचेस। तो इसमें आप ऊपर जाने की कोशिश कीजिए, होल्ड कीजिए 2 सेकंड। अब हाथों को सामने भी रख सकते हैं या फिर हाथों को अपने चेस्ट के ऊपर रखिए। और जितना ज्यादा हो सकता है स्टमक को और एब्स को स्क्वीज करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट वर्कआउट हमारी जो फाइनल वर्कआउट होगी, सॉरी सेकंड फाइनल, वो है प्लैंक। होल्ड कीजिए इस पोजीशन को आप। अब आप 2 वीक का वर्कआउट करने के बाद आप मिनिमम 1 से 1.5 मिनट तक तो प्लैंक कर ही सकते हैं, तो इस पोजीशन को होल्ड करके रखिए 1 से 1.5 मिनट तक। उसके बाद फाइनल वर्कआउट जो हम करेंगे वो है कोबरा स्ट्रेच, अपने एब्स को और अपने लोअर बैक को स्ट्रेच करने के लिए। ये फाइनल वर्कआउट है, ये आपको 30 सेकेंड से 1 मिनट तक होल्ड करना है इस पोजिशन को। जब आप ऊपर की तरफ आए तो सांस जितना स्लो हो सके उतना स्लो लेना है आपको, और इस पोजीशन में आप अपने स्टमक को रिलीज करके लिए, आप इस पोजीशन में आप अपने स्टमक को स्क्वीज ना करें। ब्रीथिंग कंट्रोल कीजिए, 30 सेकेंड होने के बाद आपके नीचे जाइए, 5 सेकेंड होल्ड कीजिए, उसके बाद फिर से। डे 13 में आपको ये सारे वर्कआउट्स करने हैं। रेस्ट जितना कम हो सकता है उतना कम रेस्ट लीजिए, और जितने ज्यादा राउंड्स, जितने ज्यादा रेपिटेशन, जितना ज्यादा टाइम आप एक वर्कआउट को दे सकते हैं देने की कोशिश कीजिए। ओके, तो डे 12 जो कर रहे थे उसको कंटिन्यू करिए, और डे 12 के बाद डे 13 ये वर्कआउट कीजिए। डे 14 की वीडियो मैं नेक्स्ट बनाऊंगा और नेक्स्ट अपलोड करूंगा कल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर को शेयर करना ना भूले। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें, ताकि जो भी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं उसकी आपको नोटिफिकेशन